दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं पहली बार पनीर की सब्जी बनाने जा रहा हूं और इन लोगों का कहना है कि आज तुम बनाओ पनीर की सब्जी। तो देखते हैं आज कैसा बनता है। मसाला वसाला यहां पर सब तैयार हो गया, प्याज व्याज पीस दिया गया है, मिर्च लहसुन और पनीर यहां काट दिया गया है और दोनों जने ये हैं और कह रही हैं कि तुम आज पनीर बनाओ, तुम्हारे हाथ का पनीर खाएँगे। तो मैं पनीर बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये कढ़ाई बैठ चुकी है, यहाँ पे ये तेल डाल रही हैं, रात का बचा हुआ पकौड़ी वाला तेल है जो लिट्टी छना था। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ पनीर बनाने। दोस्तों पहले पनीर को हम लोग हल्का हल्का तेल में छान लेंगे। ये देखिए दो दो पीस कर करके छान लेंगे पहले। दोस्तों इसको दूसरी तरफ से पलट के भी हल्का हल्का सेकेंगे, ज़्यादा नहीं तलना है वरना ये चीमर हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर हल्का हल्का ही, जैसे ये देखो हल्का हल्का लालीपन आ गया है उधर। ये देखिए दोस्तों ऐसा कर देना है हल्का हल्का और इसको निकाल लेंगे। फिर से दोस्तों दो दो पीस करके। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पनीर को हम लोग छान दिए हैं, बहुत मुलायम वाला पनीर लाते हैं हम लोग। देखिए हल्का हल्का छाने हैं, ज़्यादा मतलब कि वो नहीं किए हैं। लेकिन तो दोस्तों पहले ये पचफोरन है जो हम इसमें डाल लें, पहले हल्का सा इसको चला देंगे। उसके बाद डालेंगे पहले प्याज, उसके बाद डालेंगे दोस्तों लहसुन, उसके बाद मिर्च, इस तरह चला देंगे इसे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज को हमने भून दिया है और भून करके हो गया लाल, और ये लाल कटोरी में लिए हैं हम लोग लाल टमाटर। टमाटर इस वक्त है बहुत महंगा, फिर भी पनीर में पनीर खाना है स्वादिष्ट, टमाटर डालना पड़ेगा। 30 रुपये पावा टमाटर हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे पहले टमाटर। टमाटर डालने के बाद दोस्तों हल्का से इसमें डालेंगे हल्दी, उसके बाद डालेंगे इसमें नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना। उसके बाद डालेंगे ये वाला मसाला, देखिए कितना बढ़िया मसाला है, ये मसाला डालने से बहुत स्वाद आता है। ये एवरेस्ट का है मीट मसाला, पनीर में डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए जीरा, काली मिर्च है, जीरा और काली मिर्च का यहाँ पर बुक करके पाउडर बना करके इसको डालने, इसमें देखिए और इसको सबको आपस में मिला कर चला देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा इसका कैसा कलर हो जाएगा। प्योर सरसों का तेल डालें दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा कालापन आ रहा है। उबल के बिल्कुल हो गया तैयार, और डालेंगे इसमें हम लोग पनीर। बिल्कुल सूखा पनीर बनाएंगे, तरी वाला नहीं। और इसको रसा में ऐसे डुबो देंगे और 5 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के ऐसे रख देंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग की देसी पनीर की सब्जी, बिहार का फेवरेट।
ये देखिए हम लोग गांव का देहाती पनीर सब्जी बनाए हैं और मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब इसको टेस्ट करते हैं चावल के साथ कैसा लगेगा, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा पनीर कैसा बना है, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी ब्लॉग वीडियो 2 साल से हम लोग बना रहे हैं लेकिन आज तक एक भी वायरल नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी कोई एक ऐसी वीडियो वायरल करवा दीजिए जिससे कि हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे और ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।